यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुजफ्फरनगर में आज हक की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और बच्चियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नारी तुम हो शक्ति राष्ट्र की, नारी तुम हो शक्ति राष्ट्र की, शशक तुम्हें प्रणाम। नारी शक्ति बिना न बनता बिगड़ा कोई काम। प्रदेश में नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए जगह जगह इसी तरह से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में नारी की गरिमा और उसकी अहमियत को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में भी जिलाधिकारी के साथ हक की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक संपन्न हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और बच्चियों ने ऑफलाइन और ऑनलाइन भाग लिया। इस दौरान करीब 50 से अधिक प्रतिभागियों द्वारा जिलाधिकारी महोदया से सवाल भी पूछे गए। जिलाधिकारी द्वारा सभी प्रश्नों और शिकायतों का तत्काल निराकरण किया गया। जिलाधिकारी महोदया पूरे समय कार्यक्रम में उपस्थित रही। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी आलोक कुमार यादव अपर भी उपस्थित थे। एबीपी गंगा के लिए मुजफ्फरनगर से अभिषेक बेनीवाल की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लव जिहाद कानून पर तंज कसा और कहा कि प्रदेश सरकार को सबसे पहले यह कानून बनाना चाहिए और वो जगह बतानी चाहिए कि जहां किसानों की आय दोगुनी हो, लोगों को नौकरी मिले और महिलाएं सुरक्षित रहें। जिहाद को लेकर प्रदेश सरकार कानून बनाने जा रही है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे पहले कानून ये बनाना चाहिए, वो जगह बतानी चाहिए जहां पर किसानों की आय दोगुनी मिलेगी। क्या कभी वो ऐसा कानून बनाएंगे कि जो पढ़ा लिखा नौजवान है उसे नौकरी मिल जाए या रोजगार मिल जाए? रुक रहे ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा।